कहते हैं बेकिंग इज आर्ट, पर असल में बेकिंग एक तरह की थेरेपी है, कला है। बेक करके एक मजेदार सी चीज तैयार करना ना एक सुकून देता है, चाहे वो फिर कोई भी फैमिली फंक्शन हो, ओकेशन हो। तो आइए इस मैजिक को हम भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस से हर चीज बेटर होती है। वेलकम टू एसके किचन एंड वर्क्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अच्छा, तो केक बेक करने से पहले सारी चीजों को रेडी करके रख लें। जो भी हमें चीजें डालनी है उसको अच्छे से छान लें, और उसके बाद जो ट्रे है या फिर आप किसी भी टॉप में बेक कर रहे हैं उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिर्फ ऑयल लगा के उसको मैदे से डस्ट कर दें, अच्छे से वो ग्रीसिंग हो जाएगी। उसके बाद ट्रे को रख देंगे साइड में, और सारी चीजें जो भी पाउडर्ड मटेरियल है ना उसको पहले से आप 2 बार छान लीजिए। उसके बाद तीसरी बार हम दोबारा से इसको छानेंगे। मैंने यूज़ किया है कप, और ये कप बहुत ही इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास ना हो तो मैं टेबल स्पून में भी बता दूंगी आपको। तो मैदा मैंने ले लिया है 1 कप, ये है लगभग 16 टेबल स्पून। उसके बाद पाउडर शुगर ऐड करेंगे, और शुगर जो है आप मिक्सी में ही कर सकते हैं, ये है 11 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने ले लिया इसमें कोको पाउडर 1/2 कप, और ये 8 टेबल स्पून है लगभग। उसके बाद मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा बनता है केक, स्वादिष्ट लगता है, तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, ये है 1 टेबल स्पून। और मैंने ले लिया है इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून ले लेंगे बेकिंग सोडा, और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे केक बहुत ही अच्छा फाइन और मॉइस्ट बनेगा, और अच्छा फ्लफी भी बनेगा। तो अच्छे से छान लेंगे सारी चीज़ों को। छानने के बाद हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें सिर्फ 1 अंडा लिया है, आप चाहें तो इसमें 2 से 3 भी अंडा ऐड कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ इसे 1 अंडे से आज बना रही हूँ। अब इसमें ले लेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। उसके बाद मैंने इसमें दूध ले लिया है, और सारे रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा रखना है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक साथ दूध को नहीं ऐड करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और फिर इसको मिक्स करने जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसकी मिक्सिंग भी हमें नहीं करनी है, अभी थोड़ा स्पीड है तो आपको ऐसा लग रहा होगा फास्ट मिक्सिंग है, लेकिन ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करेंगे, अच्छे से बस सारी चीज़ों को एक जान कर लेना है, हमें मिक्स कर लेना है। तो ये इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो गई है, और देखिए रिबन के फॉर्म में गिर रहा है, जब हम ऊपर से गिराते हैं तो बिल्कुल ये रिबन की तरह इस तरीके से गिरेगा। हमारा बैटर अब तैयार है, अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ले लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल, लगभग 30 ml। और ये कप्स जो है ना आप अगर ले लेंगे ना, तो बेकिंग का अगर शौक है तो कप्स ज़रूर ले लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद मैंने इसमें ले लिया है गर्म पानी, पानी गर्म होना चाहिए, इससे केक अच्छा मॉइस्ट बनेगा। आप अगर आप अंडा नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह आप दही भी ऐड कर सकते हैं मिक्सिंग के वक्त। बस हमारा बैटर एकदम रेडी है, इसको हम ट्रे में डाल देंगे, अच्छे से टैप करेंगे, और उसके बाद कोई स्टिक है तो इससे बबल्स नहीं आएंगे, इससे एक बार घुमा दें और इसको ओवन में रख देंगे 160 पे। मैंने इसको 25 से 30 मिनट के लिए बेक किया था। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है मैं व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेती हूँ। तो मुझे ये पाउडर्ड व्हिपिंग क्रीम मिल गई थी तो मैंने ये ले लिया, मुझे वो वेट वाली नहीं मिली थी। तो इसको मैंने पहले ठंडे पानी में जो चिल्ड वाटर होता है उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपके पास बीटर है तो बहुत अच्छा है, वरना अगर हम इससे मिक्स करते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है और हाथों पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो आप चाहे तो अगर मिक्सर ब्लेंडर हो तो उसमें भी करके देख लीजिए, और या तो फिर इस तरह की हैंड मशीन है तो इससे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो इसी से हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको तब तक मिक्स करेंगे एकदम डबल क्वांटिटी में हो जाएगा, एकदम फ्लफी हो जाएगा, मतलब आप कटोरे को टर्न करेंगे ना तो ये गिरेगा नहीं, बिल्कुल इस तरीके से हो गया है देखिए। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। इधर हमारा केक जो बेक हो गया है, मैंने इसको 160 पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक किया था, और उसके बाद मैंने इसको स्टिक से चेक कर लेंगे और ये क्लीन होके आया है, मतलब बेक हमारा अच्छे से हो गया है। अब मैंने एक व्हिपिंग क्रीम को निकाल लिया है, और इसमें मेरे पास लिक्विड चॉकलेट था तो वही मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। मैं अभी कोई गनाश नहीं बना रही हूँ चॉकलेट का, अगर आप गनाश बनाना चाहें तो वो भी बहुत इजी है बनाना, कोई भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं आप। तो मेरे पास ये चॉकलेट सिरप था तो वही मैंने व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा मिक्स कर लिया, और केक को मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया है। अगर आप पार्टीशन वाला नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ही पूरे अखे केक पे इसको डीमोल्ड करके फिर इसको डाल सकते हैं। केक को ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करेंगे, पहले नहीं निकालेंगे।
जब ये ठंडा हो जाए तो इसको डीमोल्ड कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसको दो पार्ट में कट कर लिया है और कोई सांचा नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही मेरे पास जो नाइफ है उसी से मैं इसकी लेवल कर देती हूँ अच्छे से। तो मैंने दो पार्ट में कट किया और मैंने फर्स्ट पार्ट में क्रीम लगा दी और दोबारा से मैं व्हिपिंग क्रीम को दूसरे वाले पार्ट को रख के इसको लगा रही हूँ। अगर केक मॉइस्ट नहीं बना है तो शुगर सिरप आप बनाकर उसको थोड़ा सी डाल देंगे या फिर दूध डाल देंगे ना, तब भी ये अच्छा सा मॉइस्ट हो जाएगा। तो फिर इसको अच्छे से डाल देंगे और उसके बाद मैंने ऊपर वाला जो था उसको भी, मैंने मेरे पास एक कार्ड था तो उसी से मैंने लेवल कर दिया। बाकी डेकोरेशन जो है वो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, इसमें आप बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है और वो आपको बताते हैं मम्मा ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, सोचते हैं कि कैसे करें क्या करें कि लुक अच्छा आए। बस जैसे ही आपका मन करे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसकी डेकोरेशन कर दें। तो मेरे पास ये सिरप था तो मैं इसी से बच्चों के हिसाब से कर रही हूँ। बच्चों ने कहा मम्मा ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो बस मैं करती जा रही हूँ क्योंकि मैं भी बेकिंग की अभी शुरुआत ही कर रही हूँ। सीखते सीखते ही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस्ड होती है और चीज़ें बेटर होती जाती है। जितना हम बेकिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बेकिंग बेटर होती जाएगी। तो ज़रूर से आप भी ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने ओकेशन में किसी भी खुशी के मौके पर ज़रूर से ट्राई करेंगे और अपना लवली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।